सत श्री अकाल। चलिए कहें कुछ अनकहा, सुनाए कुछ अनसुना। मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट, और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रास स्टूडियोज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कटप्पा इतने शानदार योद्धा कैसे हैं, और कटप्पा के परिवार के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया? अगर इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइजी की जिसने देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना ली है। और वो एक नाम या मूवी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इस फ्रेंचाइजी में अब तक दो मूवीज बन चुकी हैं और दोनों की दोनों मूवीज ब्लॉकबस्टर रही है, और दूसरी कड़ी ने तो 2000 करोड़ तक का बिजनेस कर दिया। उम्मीद है कि अब तक तो आप सबने अंदाजा लगा ही लिया होगा, और अगर नहीं लगाया तो चलिए हम बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं बाहुबली फ्रेंचाइजी की। तो डायरेक्टर एस एस राजमौली की इस फिल्म को लेकर काफी थ्योरी सामने आ रही है जिस पर बाहुबली 3 मूवी का कंसेप्ट तैयार किया जा सकता है, और आज हम ऐसे ही कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बाहुबली 1 में जहां मूवी में कटप्पा बाहुबली के बेटे उनके पिता के बारे में बताते हैं, और उस मूवी को सस्पेंस पे छोड़ दिया जाता है जहां कटप्पा बाहुबली को मार देते हैं, तो वही बाहुबली 2 में हमने देखा कि आखिर कैसे शिवगमी राजमाता के आदेश पर कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। तो बाहुबली अपने पिता की मौत का बदला लेते हैं भलाल देव को मारकर, और अब जब भलाल देव भी मर चुके हैं तो वही एक सस्पेंस अभी बना हुआ है कि आखिर क्यों कटप्पा महेशमती के एक वफादार गुलाम है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कटप्पा महेशमती के इतने वफादार है, और ये परंपरा पुश्तों से चलती आ रही है। ना ही पूरी मूवी में कटप्पा के परिवार को लेकर किसी भी तरह का जिक्र किया गया, और वहीं हमने भी ये नहीं दिखाया गया कि कैसे कटप्पा इतने ताकतवर योद्धा हैं। उन्होंने हथियारों की गतिविधियां, टेक्निक्स और सभी फाइटिंग स्किल्स कहां से सीखी, और कटप्पा के ऊपर मूवी में इसलिए भी दिखाया नहीं गया क्योंकि वो मूवी को काफी लेंथी बना देता। अगर आप यानी कि बाहुबली 3 में हमें कटप्पा की जिंदगी के बारे में दिखाया जा सकता है, आखिर कटप्पा बाहुबली मूवी के बहुत ही जरूरी किरदार जो है। चलिए आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खत्म करते हैं आज की ये वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के स्क्रिप्ट राइटर है अभिषेक मिक्की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।